नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। बाबा आपके जीवन की सारी परेशानियों का निवारण करते रहें ताकि आप सभी लोग सुखी सुखी जीवन व्यतीत करें। दोस्तों, कई बार भक्त बाबा हनुमान बाबा नीम करौली महाराज जी को इसलिए जाते हैं कि उसके पीछे कोई उनका प्रयोजन होता है, उनकी कोई इच्छा शक्ति होती है, और जब उन्हें उस भक्ति के मार्ग पर कभी अपने प्रयोजन अपनी इच्छा का छोर किनारा दिखाई नहीं देता है तो उन्हें लगता है कि महाराज जी शायद उस पर कृपा नहीं कर रहे हैं या बाबा महाराज उनकी बात को सुन नहीं रहे हैं। ऐसे में भक्त भूल जाता है कि महाराज जी तो वो दया का सागर हैं जो किसी मृत व्यक्ति की इच्छा भी पूरी करने के लिए स्वयं पर ले लेते हैं। कई घटनाओं में महाराज जी ने अपने भक्त के सारे कष्ट अपने शरीर अपने जीवन में ले लिए और उस भक्त को उन कष्टों से निवारण कर दिया। बाबा महाराज का ऐसा करने के पीछे मुख्य कारण होता था विधाता का खेल और महाराज जी का प्रेम। विधाता का खेल अर्थात विधाता ने अगर उसकी घटना को थोड़ा निलंबित किया है, आगे के लिए रखा है, और महाराज जी का प्रेम उसे बड़ा हो गया है, तो महाराज उसके जीवन में घटने वाले कष्टों को अपने अंदर समाहित कर लेते। इसीलिए बाबा महाराज अपने भक्तों में बहुत प्रिय रहे हैं और बहुत पूजनीय रहे हैं। हर भक्त को पता है कि आज नहीं तो कल महाराज जी उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, और जब भक्त अपने संयम और अपनी दृढ़ता में आ जाता है तो महाराज जी भी उस दिव्य शक्ति के रूप में मुस्कुराते हैं और एक हाथ से उस भक्त का हाथ थामते हैं तो दूसरे हाथ से उसी भक्त के सिर पर हाथ रख देते हैं। दोस्तों, हाथ थामने से ज़्यादा बड़ा सिर पर हाथ रखना होता है, क्योंकि हाथ थामकर आप किसी को कुछ समय के लिए कुछ दूरी को तय करवा सकते हो, परंतु जिसके सिर पर आप हाथ रख दो वो तो आपकी आत्मा में उतर जाता है। इन गूढ़ बातों को एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि एक बालक स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, और किसी दिन जब वह स्कूल से घर की तरफ लौट रहा होता है उसका मन करता है कि आज उसकी माता जी उसे मैगी बनाकर खिलाएंगी। चूँकि ये घटना इसलिए होती है क्योंकि कहीं उसने स्कूल में अन्य विद्यार्थियों को मैगी खाते हुए देखा होगा तो उसके मन में लालसा आती है कि आज मेरी माता जी मुझे मैगी बनाकर खिलाएगी। अब स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर तक आने के पूरे रास्ते वो बालक मन में ये जद्दोजहद में रहता है। उसे अपना हक भी दिखाई देता है, उसे अपनी जिद भी दिखाई देती है, और उसे अपनी इच्छा पूरी होती हुई स्वतः दिखाई देती है क्योंकि उसकी माता जी हैं। और वहीं दूसरी तरफ उसके घर पर उसकी माता जी को उस दिन समय ज़्यादा मिलता है, अतः मन में सोचती है कि आज मैं मेरे बच्चे को घी के पराठे बनाकर खिलाऊंगी, क्योंकि पराठे बालक के लिए बड़े पौष्टिक होते हैं। अतः वह उस बच्चे की स्कूल की छुट्टी होने के कई मिनटों पहले ही उसके लिए पराठे बनाने की तैयारी करना शुरू कर देती है। इधर माँ अपने बालक के लिए उसकी चाह से भी ज़्यादा गुणकारी भोजन तैयार कर रही होती है, और उधर वो बालक अपनी इच्छा की पराकाष्ठा देख रहा होता है कि उसे जाते ही मैगी मिलेगा। जो ही घर में आकर वो कहता है कि माँ मुझे मैगी खिला दो, माँ कहती है कि बेटा मैंने तो तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा पराठे बनाकर रखे हैं। तब उस बच्चे को समझ में आता है कि उस घटना के दौरान वह जिस चीज़ को अंतिम समझ रहा था और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ समझ रहा था उसके परे उसकी माता जी ने पहले से ही तैयार कर रखा है। यही बात लागू होती है भक्त और भगवान के बीच, भक्त और गुरु के बीच। आप बाबा महाराज जी से जो कुछ मांगते हैं और आपको लगता है कि आज ये चीज़ हो जाए, बस मेरा काम बन जाए, और आप बिल्कुल उसकी अंतिम धार तक पहुंचने वाले होते हैं, तभी आपको ज्ञात होता है कि महाराज जी तो आपके समांतर कुछ और रच रहे थे। कई बार ऐसा भी होगा कि वही बालक जब स्कूल से घर लौट रहा होगा और रास्ते में अगर ट्रैफिक बढ़ गया तो उसकी वही इच्छा की अवधि बढ़ जाती है, उसे एक एक मिनट बहुत भारी लगने लगता है। आप यहाँ पर उसे उस भक्त के रूप में देखिए जो अपनी इच्छा महाराज जी के सामने रखता है, और अगर उसकी इच्छा पूरी होने में थोड़ा सा विलंब हो जाए, थोड़ा सा समय लगे, तो उसके मन में घबराहट होने लगती है कि क्या मेरा काम होगा भी कि नहीं होगा। उसे ये नहीं पता होता कि महाराज उस माँ की तरह आपकी चाह से भी ज़्यादा बड़ा आपको देने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, आपके लिए स्वतः ही उस चीज़ को रच रहे होते हैं। जब आप महाराज जी का यह भाव समझ जाएंगे दोस्तों, तब आप उस बालक के अपनी माता के प्रति अटूट प्रेम की तरह बाबा महाराज जी के प्रेम में सदा के लिए विलीन हो जाएंगे, और यहीं पर शुरू होगी महाराज जी की कृपा के भी ऊपर की विशेष कृपा। आज आपको एक ऐसा अनूठा किस्सा सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी ने कैसे एक भक्त की सर्वोपरि इच्छा को पूरा किया। आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को देखते हुए लाइक जरूर कर दिया कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि सभी लोगों तक महाराज जी का कथा प्रसाद पहुँचे। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप सभी तक सर्वप्रथम पहुँच सकें। आइए अब ले चलते हैं आपको सीधा उस घटना पर। दोस्तों, ये किस्सा है भूम्याधार का। भूम्याधार हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पर महाराज जी ने कैची धाम से पहले वहाँ की स्थापना करी थी, और वहाँ पर बाबा महाराज अक्सर निवास किया करते थे। दोस्तों, जब महाराज जी भूम्याधार में होते थे तो अनेकों भक्त बाबा की सेवा में वहाँ पर उपस्थित रहते थे। ये सभी भक्त देव आत्माएँ होती थी जो अपने प्रभु श्री हनुमान की सेवा में निरंतर उनके सानिध्य में रहती थी। उस दिन सभी लोग रात को भोजन करने के बाद 10:30 बजे के करीब लगभग सो गए थे, और साथ ही सोने से पहले उन भक्तों ने निश्चिंत कर लिया था कि महाराज जी भी विश्राम कर रहे हैं। रात को करीब 1 बजे बाबा महाराज जी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बाबा जोर जोर से ऊंची आवाज़ में बोलने लगे कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, दाल और चपाती खाना चाहता हूँ। दोस्तों, भूम्याधार मंदिर पहाड़ों पर स्थित है और रात को 1 बजे भोजन सामग्री आदि जुटाना थोड़ा कठिन कार्य होता, अतः वहाँ के सेवादार ने बाबा से कहा कि महाराज जी आप तो पहले ही भोजन कर चुके हैं,
उसे लगा शायद महाराज जी भूल गए हों, लेकिन बाबा अपनी ही जिद दाल और चपाती खाने पर अड़े रहे। इस शोरगुल से बाकी के भक्त भी जग गए थे। सभी लोग चकित थे कि बाबा को आज हो क्या गया है। फिर सेवादार ने वहाँ पर ब्रह्मचारी बाबा को जगाया। ब्रह्मचारी बाबा ही महाराज जी के लिए भोजन आदि तैयार किया करते थे। जब ब्रह्मचारी बाबा ने बाबा की जिद सुनी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने चुपचाप आग लगाई और फिर दाल और चपाती महाराज जी के लिए पकाई। ब्रह्मचारी बाबा को दाल और चपाती तैयार करते करते रात के 2 बज गए। तब बाबा महाराज जी ने रात को 2 बजे भोजन किया और सभी भक्तगण बैठे बैठे महाराज जी को ही देख रहे थे, क्योंकि ऐसी घटना उन्होंने जीवन में पहले कभी नहीं देखी जब महाराज जी इतना रात को उठकर भोजन ग्रहण करें। इस घटना से भक्तों की नींद उड़ गई थी। सभी भक्त लोग जागते रहे और एक दूसरे से कानाफूसी करते रहे कि आज ये सब क्यों घटा है, क्या इसके पीछे महाराज जी की कोई लीला है, क्या इसके पीछे किसी भक्त का कल्याण होना है, या फिर उनसे कोई गलती हो गई कि वास्तव में उन्होंने बाबा महाराज जी को पर्याप्त भोजन ना परोसा हो। इन सभी द्वंद्वों के बीच सभी भक्त जागते रहे और ऐसा करते करते सवेरा हो गया। सुबह महाराज जी ने किसी भी भक्त से कोई बात नहीं कही, बस चुपचाप रहे। बाबा महाराज जी का रात को भोजन करना और सवेरे में ऐसा चुप हो जाना भक्तों को थोड़ा खलने लगा। इसी उदेड़बुन में भक्तों को किसी बड़ी घटना के घटने का इंतजार भी होने लगा कि शायद कुछ तो अजीब होगा। फिर दोस्तों दूसरे दिन सुबह 11 बजे वहाँ पर एक तार आया। ये तार बाबा के एक भक्त के निधन के बारे में था। उसका निधन पिछली रात को 2 ही बजे हुआ था। जब ये तार बाबा को सुनाया गया तो बाबा बोले, देखा मैंने रात को चपाती और दाल क्यों खाई थी। महाराज जी आगे कहते हैं कि मरते समय मेरे इस भक्त की इच्छा दाल और चपाती खाने की थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे भक्त की इच्छा अधूरी रह जाए और वह उस अधूरी इच्छा को लिए वही अपने प्राण त्याग दे। अगर वह ऐसा करेगा तो वह इस कालचक्र में फंस जाएगा। मैंने उसकी अंतिम इच्छा को पूरा करके उसे अपने अंदर ही समाहित कर लिया है। दोस्तों बाबा महाराज जी के मुख से अपने भक्त के प्रति इतनी कृपा के शब्द सुनकर सारे भक्तों की आंखों में आंसू आ गए। सभी ने महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया और मन में उठते सारे प्रश्नों का समाधान पाकर अपने आप को धन्य माना कि वह तो खामखा ही किसी अनहोनी का अंदेशा कर रहे थे। और यहाँ तो महाराज जी अपने भक्त के उद्धार के लिए ही परिस्थितियों को और स्वयं को कष्ट दे रहे थे, वरना उस दिन तक बाबा महाराज जी को कभी भी किसी भी भक्त ने मध्य रात्रि को भोजन करते नहीं पाया। तो देखा आपने, महाराज जी अपने भक्त की प्राण त्यागते समय अंतिम इच्छा को भी पूरा करने के लिए स्वयं पर कष्ट को ले लेते हैं। इतने दयालु और कृपा निधान बाबा कैसे आपकी पुकार को नहीं सुनेंगे। आप में से जो भी भक्तों को शिकायत रहते कि महाराज जी हमारी बात नहीं मानते, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं दिखाते, देखिए बाबा महाराज इच्छाओं से परे हैं, उनकी आपसे कोई इच्छा नहीं है। इसलिए आप ये मन से निकाल दीजिए कि महाराज जी आपकी बात को नहीं मानेंगे। आपका कहना कौन नहीं मानेगा, आपका कहना वो नहीं मानेगा जो किसी इच्छाओं से बंधा हो। बाबा महाराज तो सिर्फ देने वाले हैं, लेने वाले कुछ भी नहीं। उन्हें भक्त से कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक भक्त को अपने प्रयत्न और अपने कर्म उस दिशा में करने चाहिए कि वह बाबा की विशेष कृपा पाने के लिए सुयोग्य बन सके। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक दोस्तों अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीमकरवी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सियाराम।